हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आज उखाड़ रहे हम लोग का बीड़ा, तो खेत साइड में देख के आता हूँ बीड़ा की उखाड़ रहे हैं, फिर छुट्टी हो गया तो अभी चलते हैं खेत की साइड, क्योंकि यार आज सुबह से बारिश हो रहा है। तो देख सकते हो मैं सुबह अभी सो के उठा, तो अभी जा रहा हूँ मैं खेत साइड, देख के आता हूँ बीड़ा कितना उखाड़ लिया है और कितना नहीं उखाड़ है, तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ कि हम लोग का बीड़ा कितना उखाड़ ले है। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा, मैं अभी जा रहा हूँ खेत पे और आप लोगों को भी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ यार, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रहा है। तो आज पता होगा आप लोगों को सुबह से बारिश रुका ही नहीं है, तो मैं छतरी लेके निकल गया हूँ घर से। तो चलते हैं अभी, इधर हम लोग का खेत इस साइड, तो अभी चलते हैं हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि यार बारिश हो रहा है और अभी टाइम भी हो गया, तो उन लोग को छुट्टी भी देना है, क्योंकि उन लोग का छुट्टी हुआ नहीं है अभी तक, बारिश हो रहा है सकते, क्योंकि बारिश में पता ही नहीं चल रहा है टाइम का, इसीलिए अभी तक छुट्टी नहीं की शायद, क्योंकि छुट्टी करके 5:30 बजे कुछ हो गया। सुबह टाइम आए थे मॉर्निंग में, तो 11 बजे ही छुट्टी दे रही थी, अभी के अंदर बारिश हो रहा था, हो गया अभी जाके बोल देता हूँ कि छुट्टी कर लो बोलते हैं, क्योंकि उन लोग को बारिश हो रहा है तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा, सुबह टाइम जल्दी छुट्टी ले मिल गया, इसी वजह से अभी मम्मी छुट्टी नहीं दे रही है शायद। तो अभी खेत को भी दिखाऊंगा हम लोग कि इधर रोपा लगाए थे, तो यार उधर का वीडियो भी नहीं बना पाया मैं, तो इस बार इस साइड का वीडियो आप लोगों के लिए बना के दिखाऊंगा अगर टाइम मिलेगा तो, अगर मौसम सही रहेगा तो आ रहे, क्योंकि इधर हम लोग का मिर्चा उर्चा का भी खेती किए है ना, तो यहाँ पे यार मैं आता हूँ क्योंकि यहीं पे पूरे दिन रह जाता हूँ मैं, इधर धान वान में ध्यान नहीं रहता है ना, क्योंकि उधर मेरे भाई और पापा लोग का ध्यान रहता है, उधर ही खेती बाड़ी में अलग लगे रहते हैं, मैं इधर मिर्चा और बैगन में इधर रहता हूँ। तो यार कितने दिन तक बारिश करेगा तो पता नहीं, देखेंगे, यहाँ पे ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं तो हवा भी बहुत चल रहा है यार, कैसे करें। तो गाइस यार यहाँ पे हम लोग लगाए थे गोभी, देख सकते हो, जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये रक्षाबंधन बारिश एक दिन पहले लग गया था इसमें, तो बारिश की वजह से पूरी तरह हो गया साफ, देखते हैं कैसे होता है। अभी फिर से बारिश हो रहा है यार, तो मरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि घास वास होता है ना तो मरता नहीं, अगर कुछ लगाओगे तो तुरंत मर जाता है। तो अभी हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ पे, जो ये तालाब जैसे दिख रहा है ये है हम लोग का खेत, अभी जाएंगे यहाँ पे और आप लोगों को दिखाएंगे। गाइस ये है हम लोग का बीड़ा जो यहाँ पे उखाड़ रहे थे, छोटा सा में था, तो इसमें भी यार इस बार पता है कि अच्छे से बीड़ा उड़ा नहीं निकल रहा था, अच्छे से नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे खेत में हम लोग बीड़ा किए थे, आप लोगों को दिखाए थे शायद। तो अभी यहाँ का उखाड़ के ख़त्म कर दिए, तो गए हैं वहाँ बड़ा वाला खेत उखाड़ने के लिए, आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ कि इतना बड़ा में बीड़ा था, इसमें कल हल चलाएगा पापा, उसके बाद इसमें रोपा ऊपर रोपेंगे, उसके बाद वो बड़ा वाला खेत का उखाड़ना स्टार्ट हो गया है, कल भी उसमें ट्रैक्टर उक्टर लगा लेंगे। तो ये भी है हम लोग का खेत जो इसमें पहले लग गया है रोपा, तो यहाँ 12 ठी है इसे छोटा छोटा, और इधर भी है ये, तो चलते हैं अभी वही खेत के पास। यार पता नहीं छुट्टी कितना टाइम होते हैं करते हैं, अभी पता नहीं है कि 5 तो बज गया है, तो बोल देता हूँ 6 बजे करते हैं शायद, तो अभी आधा घंटा बाद बोल दूँगा कि छुट्टी कर लो बोल के, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, अभी 5:12 या फिर कुछ ऐसे 10:12 या फिर 15 मिनट हो रहा है, तो अभी मैं जाऊंगा 5:30 बजे आसपास बोल दूंगा छुट्टी के लिए, क्योंकि यार बारिश वारिश हो रहा है, तो घर में खाना पीना भी बनाना यार
कितना दिक्कत होता है गांव घर में पता है आप लोगों को। खेत में भींग के जाएंगे, उसके बाद खाना सब्जी तैयार करते हैं, तो सभी लोग को खाना बनाना होगा। शायद मैं अभी इधर से जाऊंगा, उसके बाद घूम के रोड साइड से होते हुए घर जाऊंगा, क्योंकि यार बारिश से मेरे को भी घर से निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं सोचा घूम के आ जाता हूँ। आज वैसे पूरे दिन नहीं, सुबह टाइम तो गया था वहाँ मिर्चा वाला बाड़ी में, उसके बाद वहाँ से मैंने मर जो जिसमें जिसमें का मिर्ची उर्ची मर गया, मिर्ची और भाटा तो उखाड़ के लिया था, बैगन को लगाया, उसके बाद मिर्ची का जितना भी लिया था उसको वहीं पे छोड़ के आऊँ, उसको लगाया नहीं। अगर कल देखते हैं कैसा मौसम रहेगा तो कल रोप देंगे, नहीं तो देखेंगे। इधर खेत में भी यार पैर वायर छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इधर रोपा भी रोपना स्टार्ट हो जाएगा। बारिश कैसे करेगा पता नहीं, देखते हैं। अगर बारिश सही रहेगा तो जल्दी हो जाएगा, और अभी तो काम करने वाले भी मिल नहीं रहे यार खेत में, पता नहीं चार पांच रहेंगे तो सप्ताह भर लग जाएगा, सप्ताह भर से या फिर ज़्यादा भी लग सकता है। तो अभी भी बारिश हो रहा है यार, देख सकते हो। तब तो अभी छाता लेके आया हूँ मैं, तो चलिए वीडियो पे बने रहेगा। अभी उधर भी जाके आप लोगों को दिखाऊंगा बड़ा वाला खेत का। फाइनली यार मैं अभी पहुंच गया हूं घर पे, क्योंकि अभी बारिश, आप लोगों को बोला था कि अभी खेत का दिखाऊंगा नज़ारा और कितना बेड़ा उखाड़ रहे हैं सबको दिखाऊंगा। तो यार वहां पे गया और मैं मम्मी से टाइम बताया और कितने टाइम छुट्टी करते हो ये बोला, उसके बाद बताया टाइम, उसके बाद मैं वहां से निकल गया, क्योंकि बारिश तेज़ी से होने लगा और हवा भी चलने लगा। तो मैं सोचा यार यहाँ से डायरेक्ट घर चला जाए, तो मैं वहाँ से आ गया डायरेक्ट घर। फिर आधा रास्ते में आते वक्त मुझे याद आया कि आप लोगों को वीडियो वहाँ का दिखाऊंगा बोल के, तो मैं दिखाया नहीं, क्योंकि यार बारिश तेज़ी से बढ़ने लगा, तो डायरेक्ट आ गया घर। तो अभी मैं खाना वाना खा लिया हूँ, खा के अभी रात्रि के करीबन 9 बज रहे होंगे, उसी टाइम मैं अभी रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यार वहाँ आने में मुझे टाइम लगा और मुझे याद आधा रास्ते में आया, इसीलिए मैं वीडियो बनाया नहीं, तो चले आज नहीं तो कल, क्योंकि अभी खेती का भी टाइम चल रहा है, तो आज नहीं तो कल मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो यार अभी बारिश की वजह से थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि यार कोई भी ऐसा रिक्स मत लीजिएगा, क्योंकि बारिश में भींग के आपका तबीयत ख़राब हो और घर में काम करने वाले आप अकेले बंदे हो कि अगर तबीयत ख़राब हो जाएगा तो समझ सकते हो घर का क्या हाल होगा। तो इसीलिए तो चलिए वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अच्छे रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।